घोसी तहसील अंतर्गत मजवारा क्षेत्र के बाजार स्थित भगवत बाबा मंदिर में प्रेमी युगल एक दूजे के हो गए व 7 जन्मों तक एक साथ रहने की कस्में खाई। लगभग 6 महीने से चल रहे प्रेम प्रसंग का शुक्रवार को आखिरकार पटाक्षेप हुआ और दोनों युवक व युवती मंदिर परिसर में शादी के बंधन में बंध गए तो दोनों परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। मंदिर परिसर में विवाह कार्यक्रम सफल हुआ और संभ्रांत लोग व भगवत बाबा क्षेत्र सेवा संस्थान के लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद समेत शगुन भेंट किया। घोसी तहसील अंतर्गत मजवारा क्षेत्र के लखनी मुबारकपुर निवासी गुलाब चंद्र के पुत्र सुनील कुमार व कोतवाली अंतर्गत आदमपुर निवासी सविता पुत्री स्वर्गीय शिव चंद्र प्रसाद के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। काफी उठापटक के बाद शुक्रवार को आखिरकार दोनों परिवार राजी हुए और दोनों प्रेमी युजलों की मजवारा स्थित भगवत बाबा से सेवा संस्थान की ओर से निर्मित मंदिर परिसर में शादी करा दी गई। बताते चले कि युवती के माता पिता की मौत के बाद वह अपने छोटे भाई के साथ आदमपुर में रहती थी व पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान लखनी मुबारकपुर निवासी उसकी सहेली के भाई सुनील के साथ आने जाने के दौरान प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। तमाम विवादों के बाद दोनों परिवारों के लोग विगत 10 मई को शादी कराने कोर्ट पहुंचे तो शादी के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद युवक सुनील मुकर गया व युवती को साथ ले जाने से इनकार कर दिया, जिससे आहत युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच अपनी आपबीती सुनाई। SP ललित कुमार सिंह ने आदेश पर कोतवाली पुलिस ने युवक सुनील व उनके परिजनों पर विभिन्न संगीन धाराओं का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों परिवारों ने फिर दोनों की शादी कराने की पहल की और उनका प्रयास रंग लाया। शुक्रवार को मजवारा बाजार स्थित भगवत बाबा के मंदिर में दोनों प्रेमी युगलों सुनील व सविता विवाह के बंधन में बंध एक दूजे के हो गए। भगवत बाबा सेवा संस्थान की ओर से कोषाध्यक्ष रामफल मौर्य ने आशीर्वाद स्वरूप वर वधु को 1001 रुपये शगुन व आशीर्वाद दिया। इस दौरान वकील रावत, कांता प्रसाद, सत्यनारायण, रामसोज गुप्ता, राकेश गुप्ता सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।